जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चों का करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में स्वागत एवं वेलकम है। बच्चों फटाफट आप लोग लाइव आ जाएं, एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बच्चों करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, तो फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे दिख रहा है और क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है हु हैज रिसेंटली ब्रोकन MS धोनीज रिकॉर्ड ऑफ हिटिंग द मोस्ट सिक्सेज इन ODIs इन इंडिया। हाल ही में भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का MS धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, दिनेश कार्तिक, सूर्य कुमार यादव। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा, बी ऑप्शन। रोहित शर्मा ने MS धोनी के वनडे मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बच्चों इसका ई ऑप्शन सही होगा, मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता, ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। हु हैज वन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन। मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसने जीता? तारा देवी तुलधर, दया वीर सिंह कंसाकर, पुष्पा बैसनेट, डॉक्टर संदूक राउत एंड ई ऑप्शन भानु भक्त आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का डी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर संदूक राउत, डी ऑप्शन सही होगा, जिनको बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर इट्स फिक्स्ड डिपॉजिट कस्टमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपने सावधि जमा ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया? SBI, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पंजाब नेशनल बैंक, फोर का सी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। An EY report said the Indian economy is very likely to hit the $26 trillion mark by year. EY की एक रिपोर्ट में कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष तक $26 trillion के निशान तक पहुंचने की संभावना है 2043।
2044, 2045, 2046 एंड 2047, 2047 तक, 2047 तक जो है EY रिपोर्ट के अनुसार इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यह जो है EY रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े हैं। 5 का ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिनोनेड असामीज पोएट नीलामणि फुकन पासेज अवे इन विच ईयर ही ऑनर्ड 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्होंने इस वर्ष 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में एंड 2021। तो इनको 2021 में जो है 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 6 का ई ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया इज करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 हेल्ड इन। भारत वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में भाग ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविले, बिलबाओ, वैलेंसिया। वैलेंसिया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8-7 का ए ऑप्शन सही होगा। मैड्रिड में जो है इसका आयोजन किया गया, 7 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत का पहला रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो भारत का पहला जो है रसद, जलमार्ग और संचार स्कूल त्रिपुरा में स्थापित किया गया। 8 का ए ऑप्शन सही होगा, 8 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड सेकंड ऑन ब्रांड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्ल्ड्स टॉप सीईओज फॉर द ईयर 2023। वर्ष 2023 के लिए दुनिया के शीर्ष सीईओ पर ब्रांड फाइनेंस की वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसी दूसरे स्थान पर रखा गया है? सुंदर पिचाई, पुनीत रंजन, सत्य नडेला, शांतनु नारायण, मुकेश अंबानी। तो इसका डी ऑप्शन होगा, शांतनु नारायण। क्या होगा? डी ऑप्शन, सॉरी, शांतनु नारायण इसका आंसर नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई उत्तर होगा इसका, मुकेश अंबानी। ई ऑप्शन सही होगा, मुकेश अंबानी। 9 का ई ऑप्शन सही होगा, मुकेश अंबानी। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन फर्स्ट बींग हेल्ड इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान इज बिटवीन इंडिया एंड।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, ध्यान में रखना है आप लोगों को। राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित होने वाला कम अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? यूएई, रशिया, इजराइल, इजिप्ट, जापान। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, इजिप्ट के बीच। भारत और इजिप्ट के बीच राजस्थान में साइक्लोन फर्स्ट प्रैक्टिस किया गया, एक्सरसाइज किया गया। तो इस प्रकार 10 का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड डिलीवर्ड द फर्स्ट फ्यूजलेस फॉर 6AH-64 अपाचे अटैक ऑर्डर्ड बाय द इंडियन आर्मी। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने भारतीय सेना द्वारा आदेशित 6AH-64 अपाचे अटैक के लिए पहला फ्यूज लेज डिलीवर किया। ये क्या था? मिसाइल था, हेलीकॉप्टर था, या टैंक था, या जेट था, या सबमरीन्स था? तो इसका सही उत्तर होगा यह एक हेलीकॉप्टर था। क्या था? हेलीकॉप्टर। तो इस प्रकार 11 का बी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली ज्वाइंड इंडिया डेकन क्लब आफ्टर रेजिंग $350 फ्रॉम जनरल अटलांटिक। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में जनरल अटलांटिक से $350 मिलियन जुटाने के बाद भारत के डेकोकॉर्न क्लब में शामिल हुई? फोन पे, पेटीएम, स्विगी, रेजोर पे एंड जोमैटो। एंड जोमैटो। तो 12 का ए ऑप्शन सही होगा, फोन पे। फोन पे सही उत्तर होगा, जो भारत के डेकोकॉर्न क्लब में शामिल हुई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार, श्रीकांत माधव वैद्य, विक्रम देवदत्त, संदीप कुमार गुप्ता, मनोज जैन। मनोज जैन। इसका सही उत्तर होगा विक्रम देवदत्त, सी ऑप्शन। विक्रम देवदत्त जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या नेताजी जयंती भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी एंड ई 25 जनवरी एंड ई 25 जनवरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, बर्थ डेट है। सी ऑप्शन सही होगा 14 का। 15 नंबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन अ सेरेमनी टू नेम लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नामकरण समारोह में भाग लिया। कितने द्वीपों के बारे में पूछ रहा है? 21, 22, 23, 24 एंड 25।
ए ऑप्शन सही होगा, 21 पोर्ट का नाम जो है चेंज कर दिया गया है अंडमान निकोबार के। 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार का इरादा किस साल के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का है? 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक, 2024 तक या 2025 तक? तो इसका जो है सही उत्तर होगा 16 का ई ऑप्शन, 2025 तक। तो अगर बच्चों आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में हिमाचल प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य है कि वह अपने आप को 2025 तक एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो ई ऑप्शन सही होगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, 17 नंबर, हु वन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल इन द इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता? एन सियोंग, अकाने यामागुची, चेन ग्विनचेन, जिया इफेन एंड ही बिंगजाओ। चार ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही उत्तर होगा एन सियोंग। इन्होंने जो है इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल खिताब जीता। तो 17 का ए ऑप्शन सही होगा। 18 नंबर, इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्रॉप समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय सिल्फ शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में इंटरनेशनल क्रॉप समिट का इनॉग्रेशन किया गया, अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 18 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 19 नंबर, विच हिस्टोरिक साइट असम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? असम के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है या शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजपुर, रंगघर, अग्निगढ़ हिल, चार देव मैदान, हाजो पोवा मेका? तो इसका सही उत्तर होगा चार देव मैदान। यह जो है डी ऑप्शन सही होगा। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 19 का डी ऑप्शन। 20 नंबर, ब्राजील एंड एम फॉर ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन करेंसी। ब्राजील और किस देश का उद्देश्य एक सामान्य मुद्रा के विकास सहित अधिक से अधिक आर्थिक एकीकरण करना है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी ऑप्शन स्पेन, सी इंग्लैंड, डी यूएई एंड ई इंडिया। 20 का ए ऑप्शन सही होगा, अर्जेंटीना। ए ऑप्शन सही होगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट चलते हैं, 21,
विच स्टेट और यूटीज गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट इट्स मैडन सारस फेयर 2023 फ्रॉम 4 to 14 फरवरी 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 4 से 14 फरवरी 2023 तक अपना पहला सरस मेला आयोजित करने वाला राज्य बना? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गुजरात, सी दिल्ली, डी पंजाब एंड ई लद्दाख। तो 21 का ए ऑप्शन सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 22। कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2023। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? टू इन्वेस्ट इन पीपुल, प्रायोरिटीज एजुकेशन, लोगों में निवेश करना एंड शिक्षा को प्राथमिकता देना, ये इसका क्या है थीम है 2023 का? सी ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में इंडिया ओपन का खिताब जीता? ए विक्टर एक्सेलसेन, बी ली जी जिया, लो किन यू, डी कुन लाउट विटिंगटन एंड जोनाटन क्रिस्टी। चार ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है किसने जनवरी 2023 में इंडिया ओपन का खिताब जीता। तो 23 का ए ऑप्शन सही होगा, विक्टर एक्सेलसन, ए ऑप्शन, इन्होंने जनवरी 2023 में इंडिया ओपन का खिताब जीत लिया है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज होस्टिंग द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी? कौन सा संवैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी के उपयोग और चुनाव अखंडता पर दूसरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कॉस्ट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 25, हु इनिशिएटेड द समिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत किसने की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 25 का डी ऑप्शन सही होगा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन की शुरुआत करी, तो डी ऑप्शन सही होगा। 26 नंबर, 26 नंबर बच्चों कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर इंक्लूड इन आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को
आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया? जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, के एल राहुल। तो सी ऑप्शन सही होगा, विराट कोहली। 26 का सी ऑप्शन विराट कोहली सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर इंक्लूड इन आईसीसी वुमेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर 2022? निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी महिला T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया? वेदा कृष्णमूर्ति, हरलीन देओल, प्रिया पुनिया, स्मृति मंधाना एंड मोना मेश्राम। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, स्मृति मंधाना। डी ऑप्शन सही होगा, स्मृति मंधाना जो है। नेक्स्ट चलते हैं, 28 नंबर। कह रहा है, हु हैज बीन अवार्डेड द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा आत्रे, डॉक्टर एस ईश्वर रेड्डी, डॉक्टर PBN प्रसाद, डॉक्टर तपन सैकिया एंड डॉक्टर रविकांत शर्मा। तो इसका जो है एक ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर प्रभा आत्रे, ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। डॉक्टर प्रभा आत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 28 का ए ऑप्शन। 29, यूविन वाज लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज? निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए यूविन लॉन्च किया गया था? टू डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, बी ऑप्शन। टू डिजिटाइज इंडिया नेशनल हेल्थ मिशन, सी ऑप्शन। टू डिजिटाइज इंडिया हेल्थ एंड वेलनेस प्लेटफॉर्म, डी ऑप्शन। टू डिजिटाइज इंडिया आयुष्मान भारत मिशन एंड ई टू डिजिटाइज इंडिया COVID-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। तो बच्चों इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन जो है सही होगा, टू डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 30 नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी? मेकिंग आवर वोटर्स, वोटर्स इंपावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। डी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर एंड ई नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बच्चों सही होगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर।
डी ऑप्शन जो है सही होगा 30 का। नेक्स्ट चलते हैं 31। विच सॉन्ग फ्रॉम इंडिया नॉमिनेटेड फॉर दिस ईयर्स ऑस्कर, इस वर्ष ऑस्कर के लिए भारत से किस गीत को नामित किया गया? डूबे, केसरिया, अपना बना ले, नाटू नाटू एंड कहानी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा नाटू नाटू को जो है नॉमिनेट किया गया। डी ऑप्शन सही होगा नाटू नाटू, 31 का डी। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। मोस्ट फॉलोवर्ड इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स फीफा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, डी वॉलीबॉल वर्ल्ड, ई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा वॉलीबॉल वर्ल्ड, डी ऑप्शन 32 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है द स्वाइप अप प्लेटफॉर्म इज लॉन्च्ड बाय विच बैंक, स्वाइप अप प्लेटफॉर्म किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? SBI, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक। तो इसका सी उत्तर होगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा स्वाइप अप प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, सी ऑप्शन 33 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द टॉप 3 नेशंस इन एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द ईयर 2020, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2020 में जैविक निर्माण के विस्तार में शीर्ष 3 देशों में नहीं है? इंडिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, नन ऑफ द एबव। इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा ब्राजील, ब्राजील जो है डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 35 कह रहा है वेयर विल बी इंडिया एनर्जी वीक 2023 होस्टेड, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कहां की जाएगी, या ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कहां की गई? मुंबई, विशाखापत्तनम, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा बेंगलुरु में, इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी बेंगलुरु के द्वारा किया गया, डी ऑप्शन सही होगा 35 का डी ऑप्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम, किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग वाला ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? देहरादून रेलवे स्टेशन, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन,
इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट एंड ई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो 36 का बी ऑप्शन सही होगा, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन 36 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी नेम्स फॉर पद्म विभूषण ऑन 25 जनवरी 2023। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को कितने नामों की घोषणा पद्म विभूषण के लिए की? 5, 91, 6, 9 एंड ई 11। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 6 लोग, सी ऑप्शन सही होगा, 6 लोगों के नामों की घोषणा पद्म विभूषण के लिए किया गया। 37 के बाद 38। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द 6-डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6-दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्वेश्चन नंबर 38। का बी ऑप्शन सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लाल किले के लॉन में 6-दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व आयोजित किया गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर। व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 डाटा प्राइवेसी डे? 2023 डेटा गोपनीयता दिवस का विषय क्या है? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी मैटर्स, स्टॉप थिंक कनेक्ट, ओन योर प्राइवेसी एंड ई प्राइवेसी नाउ, एंड ई प्राइवेसी नाउ। 39 का ए ऑप्शन सही होगा, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट जो है बच्चों सही उत्तर होगा, 39 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज वन द वोमेन्स सिंगल टाइटल बाई डिफीटिंग एलिना रिबाकीना इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में एलेना रिबाकीना को हराकर महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन एरिना सबालेन्का, बी ऑप्शन कैरोलिना प्लिस्कोवा, सी ऑप्शन कैरोलिना गार्सिया, डी ऑप्शन काया कानेपी, ई ऑप्शन विक्टोरिया अजारेंका। तो 40 का ए ऑप्शन सही होगा बच्चों, एरिना सबालेन्का ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में एलेना रिबाकीना को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 सिंगल वोमेन का खिताब जीता, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 41 नंबर, Who has won the men's single title by defeating Stefanos Tsitsipas in the Australian Open 2023? Australian Open 2023 में Stefanos Tsitsipas
को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जे जिलेंस्की, एच नीस, जे कुबलर, आर हिजिकाता एंड नोवाक जाकोविक तो इसका ई ऑप्शन होगा, एन जाकोविक या नोवाक जाकोविक ने जो है स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेंस सिंगल का खिताब जीता। ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड लेपोरेसी डे 2023? विश्व कुष्ठ दिवस 2023 का विषय क्या है? बीट लेप्रोसी, एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, बी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, सी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, डी एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रिजुडाइस, ई टू लाइव इज टू हेल्प टू लाइव। तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, टू लाइव इज टू हेल्प टू लाइव, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 का ई ऑप्शन सही होगा। ये बच्चों आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं तक बच्चों। नेक्स्ट क्लास में एक दो दिन और हम लोग करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, बाकी आप लोग संडे को मन लगा के अच्छे से एग्जाम दें। तो कोशिश ये करें कि रिवीजन थोड़ा सा और कर लें, तगड़े से फटाफट रिवीजन करते जाएं, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक, थैंक यू एंड जय हिंद।